बड़ी सुंदर बनाई है और जो गाड़ी बनाए बनोई के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया है। अब तुम्हें अपने हिसाब से चलाना है कि जब गाड़ी को अगर रोड पे ले जाओगे तो अच्छे से चलेगी और अगर जी गाड़ी को गड्ढन में डालते ही तो उस प्रकार से चलेगी। और इसकी जिम्मेदारी धर्म के रास्ते पर चलना है और या किधर जाना ये आपकी जिम्मेदारी है। बड़े सुंदर शब्दों में बताया है इस गाड़ी को बड़े अच्छे तरीके से चलाना है। और करेंगे कि संहारी बेला आगियो गाड़ी आकनवारो शरीर रूपी गाड़ी की बात हो रही है। भगवान कहता है कि जब गाड़ी को ऐसे रास्ते पर चलाना कैसे पे संभाल बेला आगियो गाड़ी गाड़ी के बारे में बताया है। जा गाड़ी में माल रखो है तुम्हें अगर वो हो गया ना मन के अंदर कि माँ मेरी है, बाप मेरा है, भाई मेरा है, बहन मेरी है, लेकिन सच तो ये है कि जब दुनिया में कोई किसी का नहीं मतलब रिश्तेदारी Bye.
बड़ी सुंदर बात बताई है, संभार वेला हाँ किए सुने गाड़ी हाँ शरीर से कभी ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे पाप बन जाए, तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप है कि दूसरे की आत्मा को दुखाना, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता है। और भगवान की कथा बड़ा किस्मत से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है जो भगवान की कथा का आयोजन करते हैं। और कथा का आयोजन हुआ है जो हमारी छोटी बहन पूनम शास्त्री जी हैं, उनके पिताजी भारत सिंह यादव जी, और बड़ा अच्छा भगवान की कथा कराना एक बहुत अच्छी बात होती है। इंसान जीवन में भगवान की कथा कराना और भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा का आयोजन करना, भगवान के गुणगान को गाना, इससे दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं होती है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं और कथा का प्रसंग भी हमसे आगे भैया कथा कह रहे थे कृष्ण की बाल लीलाएं। उससे पहले सभी माता बहना भाई बहन एक बार वाणी को पवित्र करेंगे, बड़े भाव से एक भजन बोलेंगे, भगवान को बड़े प्रेम से बुलाएंगे ताली बजा करके। हे कन्हैया कहते तेरी सांवरी।